यहाँ पे अंगीठी जल नहीं, किसी को हाथ सेकना है तो ताप लो भैया। हाँ हाँ एक मिनट, अंदाज जा रहा है अंदर तो भाई ये घंटी को जाके क्या होगा बताओ, बजाओ बजाओ। हम कह रहे पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है, स्लो घंटी जा रहा है, इसमें एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो आपको एनर्जी कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। तो ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो थोड़ी पाकिस्तान में है और थोड़ी हिंदुस्तान में है। इसमें बता रहे हैं यहाँ पर जैसे राखी गढ़ी है, जैसे कालीबंगा जो राजस्थान में है, घोड़ा बीरा है ना, रणव कुछ, रणव रणव कुछ गुजरात कहते हैं, रणव कच्छ मतलब गुजरात। तो हड़प्पा सभ्यता कुछ देखो इधर जो पाकिस्तान है ऊपर ही इंडिया है, इधर ये गुजरात है ना, नीचे गुजरात ऊपर राजस्थान है ना। तो इस तरह से कुछ हमारी सभ्यता पाकिस्तान में, कुछ भारत में है और ये उस समय बहुत ज़्यादा फैली हुई थी कई सी राज्यों में, कई देशों में है ना, इस तरह दिखा रहे हैं कुछ पाकिस्तान में, कुछ राजस्थान पाकिस्तान में, कुछ इंडिया में। और ये बता रहे हैं 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी की अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता ने बाद तथा पाकिस्तान के 7,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 9,000 से भी अधिक शहरों, नगरों तथा बस्तियों को एक साथ गूंथा। यह आधुनिक भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 1/4 हिस्सा है। ये नगर योजना समृद्ध बौद्ध संस्कृति, विश्व की अग्रणी लिपि, वृहत जल निकास योजना सहित सावधानी पूर्वक नियोजित आवास स्थान, विशिष्ट आकार तथा सज्जा के मिट्टी के पात्र तथा शिल्प उद्योग क्षेत्र के श्रृंखलाबद्ध उत्पादों को दर्शाता है। इसमें यही बताया गया कि उस समय जो मकान जो थे वो जो गेट होते हैं वो घर के सामने नहीं तो पीछे होते थे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं खेलने के लिए वो बाहर निकल जाते हैं तो वो है ना मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते। तो उसमें ये सारा इनका सभ्यता में था। साथ में ये भी था कि यहाँ पर जो जो कुएं थे, एक मिनट, यहाँ पर जो कुएं थे वो कुएं का पानी कोई भी ले सकता था, घर के अंदर से भी और बाहर से, रास्ते जो निकल राहगीर थे वो निकलने वाली। और पहली बात है अब पास से 5,000 साल पहले फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था तो लोग उस समय पक्के मकानों में रहते थे। उसके बाद जब ये सभ्यता ख़त्म हो गई तो उसके बाद लोगों ने फिर से कच्चे मकान बनाना चालू किया। इसलिए सभ्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एक्चुअली हाउस प्लानिंग, पानी को लेकर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई थी कि किस तरह से पानी की जो सीवियस होता है ट्रीटमेंट उन्होंने कैसे किया, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, ये सारी बातें बताई। और साथ ही साथ आजकल जो रोड बनाते हैं तो जो 90 डिग्री पे होते हैं तो ये जो सड़कों का जो एंगल है घुमाव का जो है ना, जैसे कहीं सामने से कोई बंदा आ रहा है तो उसको दिख जाए कि भाई कॉर्नर से कोई आ रहा है, तो इस तरह से ये सारी कंसेप्ट हमें यहाँ से मिलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें बने रही हमारे साथ, अगर आप लोग देखते हैं चलते आइए। तो यहाँ पर हाँ जी हाँ, रेप्लिका इंडस पोटरी उस समय के सामान मिल रहे हैं, उस समय की जो पोटरी है ना ये वही है, हाँ असली है, असली है। स्टैंडर्ड मास प्रोड्यूस एंड वील स्टर्ड पोटरी विद ब्लैक ऑन रेड पेंटिंग, सम ऑफ द दीज वर ऑफ हाउसहोल्ड यूज, सम वर रिचुअल। ये देखो कैसे पेंटिंग करी है, उस समय के सामान है, पत्ते ऐसे पेंट, हाँ उस समय के सामान मिले को ना, ये देखो टेराकोटा जो मिला है ना एक सांड उसका, हाँ ये सांड का नाम बुला दो तुम, रुक जाओ, टेराकोटा से नाम था। तो एक सांड मिला है जिससे पता लगा कि वो सांड का यूज़ करते थे एग्रीकल्चर में, वो इस टाइप का मिला है। ये सारी चीज़ें उस जमाने की देखिए यहाँ पे मिल रही हैं, मतलब यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई हुई है। ये देखिए लोग उस जमाने में कैसे लोग रहते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, ये सारी ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है असली में होंगे है ना। ये उस जमाने के सामान है इसके अंदर जो मिल रहा है आपको, उस समय लोहे की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो तांबे के सामान है, देख रहे हैं आप कॉपर के। ये बीट्स है जो उस समय यूज होती थी, उस समय वो नहीं था। अच्छा इनके जो सामान थे वो दो की पावर में कुछ थे है ना, इस टाइप से कुछ वेट एंड मेजर पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखानी है। ये पेड़ देखो अंदर, अरे
ये इनकी ज्वेलरी है, बीड्स। हाँ, उस समय जो पत्थर यूज होते थे वही है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बीड मेकिंग। आ जाओ, चलो जाओ। तो भाई अब और अंदर चलते हैं, और भी है वो कुछ। आ जाओ जाओ। थ्री बेसिक प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इसमें एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो आपको एनर्जी कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। देखिए भाई, बिल्कुल ऐसी हो रही है। इसके अंदर ये कैसे गुब्बारे आ रहे हैं बाबू, ये क्या है? प्रेस द स्विच ऑन द लेफ्ट डिस्क, इजीली डिस्क्रीट मासेस ऑफ एयर मूव अप एज बबल ऑन द रीचिंग द टॉप वेयर दे एक्युमुलेट। दिस डिस्क्रीट एयर मासेस लूज देयर आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ फीचरलेस। ये रवीना, हवा कैसे जा रही है इसके अंदर, हवा कैसे जा रही है? ये साइंस है। प्रेस द स्विच ऑन द लेफ्ट डिस्क, लेफ्ट डिस्क में स्विच दबाओ। हवा है इसकी उधर, उसकी इधर, ऐसा कुछ। अच्छा, यहाँ से हवा जा रही है अंदर, तो हवा ऊपर से जा रही पर नीचे कैसे हो रहा है, ये साइंस है ना। प्रेस द स्विच ऑन द लेफ्ट डिस्क, तो बहुत सारी साइंस है। तीन मूल रूपांतर संरक्षण ऊर्जा का, तो ये कन्वर्ट हो रहा है। देखो इस तरह से देखो, जब मिलते हैं तो तीन कलर ऐसे कुछ आ रहे हैं। देख रहे हो तीन कलर, कलर भी बता रहे हैं, ये वो है मॉलिक्यूल का नाम, ये आपस में मिलना है। चलो भाई, अभी इतनी साइंस काफी है। ये गंध, शब्द, साउंड, रूप, भूत आदि, साउंड, शब्द, कलर, तन्मात्र, पांच सूक्ष्म परमाणविक कण जिनको तन मात्रा कहते थे, और वो मानव ज्ञानेंद्रियों के लिए अदृश्य हैं, कि व्युत्पत्ति सचेत विज्ञान भूतादि से हुई। एक ऐसे सूक्ष्म पदार्थ की उत्पत्ति सतत विभेदन एवं आसमान समूह के फलस्वरूप होती है। ये पांच तन मात्रा यथार्थता मानवीय ज्ञानेंद्रिय शब्द इस पर रूप, रस और गंध नहीं है जैसा कि इन शब्दों से लगता है, अपितु ये तन रूपी ऊर्जा विभव को वर्णित करते हैं। कुछ तो कहना चाह रहा है यार। अरे आज ज्ञान की इंद्रियां, जैसे ज्ञान स्मेल, फाइव सुपर इंफ्रारेड पार्टिकल नेम एज सन मस्त एंड इन परसेप्टिबल ह्यूमन सेंस गर, दीस फाइव तन्मात्र आर नॉट एग्जैक्टली द ह्यूमन सेंस ऑफ साउंड, टच, कलर, टेस्ट एंड स्मेल। स्मेल एज द टर्म्स नीड टर्म्स टेंड टू इंडिकेट, बट दे सिग्निफाई करस्पोंडिंग एनर्जी पोटेंशियल। मतलब ये पांच चीजें एनर्जी होती है, इससे मिलके ये भूतादि, भूतादि इन पांच चीजों से, इससे 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 और इससे। मुझे यार आंखों में कुछ ऐसा दिखाई देता है मेरे अंदर। हाँ, ये वाला, ये होता है ना, तो मतलब इन सब चीज़ों से मिलकर ये स्पर्श, स्मेल, साउंड, कलर और टेस्ट से मिलकर ये भूतादि बनता है, यानी भूतादि। आपका अगर बनता हो तो कमेंट में जरूर बताना, और कैसे बना है जरूर बताना मुझे, और उसके बाद आपको कैसा लगा कमेंट में बताना भाई, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो ये क्या है, तेजस, हाँ, वाटर, क्षितिज, वायु, आकाश, ये हमारा सारा है, ये सब बॉडी के अंदर ही है हमारे। तभी तो जो जितने भी वो होते हैं ना ऋषि मुनि, वो ये करते रहते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श एंड शब्द, ये भी यहाँ पे है। एटम 2500 ईयर्स अगो ऑर्बिटर रदरफोर्ड एटम, जे जे टॉमसन रदरफोर्ड, एटम ऑफ आकाश रदरफोर्ड 1990 ऑर्बिटर मॉडल, ये मॉडल है भाई। जैसे जे जे टॉमसन रदरफोर्ड, जैम चैडविक, इन्होंने एटम की खोज की, डिस्कवरी की, उसके बारे में बताया। आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर आप पढ़ाई करें, है ना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। हाँ जी, मेजर ऑफ लेंथ, यस्त्र, यंत्र और पुष्कारा, यहाँ तक गाय की आवाज़ सुनाई दे, जहाँ तक गाय की आवाज़ सुनाई दे, मतलब कौटिल के समय 300 ईसा पूर्व से अकबर के समय 1600 ईस्वी तक लंबाई इकाइयों के आपसी संबंध में भिन्नता आई। चार गोरुत्व बराबर 9 योजन, एक गोरुत्व बराबर
9000 दंड, एक आदमी की लंबाई 9 दंड बराबर 4 हस्त, एक हस्त बराबर 24/28 42/48 अंगुल। मतलब ये कह रहा है जो भी खोज हुई है वो मतलब इंसानों जानवरों की बॉडी को मेजर करके निकाला गया है, हस्त और बाहु अंगुल मतलब हाथ इसके बराबर ही लिखेंगे, एक दंड बराबर 4 हस्त। दंड क्या है मतलब पूरी इंसान की बॉडी 4 हस्त ऑफ दंड्रा है ना, 4 हस्त के बराबर होती है। पहले ऐसे तो नाप लेते हैं, हस्त मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये यहाँ से अपने कोहनी से लेकर पंजे तक एक हस्त, 4 हस्त के बराबर होती है लंबाई है, लिखा है ना, एक दंड बराबर 4 हस्त और एक हस्त बराबर 24/28/42/58 अंगुल। एक आदमी की लंबाई 9 दंड बराबर 4 हस्त, 9 दंड एक आदमी की लंबाई 9 दंड बराबर 4 हस्त। चलो भाई मेजिंग हाइट विद यष्टि यंत्र, इस तरह से यह पाइथागोरस जो है ना, पाइथागोरस हाइपो का स्क्वायर टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जैसे वो निकालते नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के जरिए, राइट एंगल जैसे हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, परपेंडिकुलर कोण परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे निकलता है ना, उन्होंने फिर उन्होंने किस निकाला ट्रिग्नोमेट्री से, परपेंडिकुलर अपन बेस जीरो टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा है ना, इस तरह हाइट निकालने का यूज़ किया। ब्रह्मास ब्रह्मा डिस्क, तो भाई ये घंटी को जाके क्या होगा बताओ, बजा बजा हम कह रहे पता नहीं कहाँ से बजा रही है, इसलिए घंटी जा रहे हैं। प्राचीन काल में समय 1400 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी के दौरान समय की इकाई को विकासशील अचूक पद्धति से प्रस्तुत किया जाता था, लगभग 0.9 सेकंड की छोटी इकाई को से 5 और वर्ष की वृद्ध बड़ी इकाई से युग को युग कहा जाता था। ब्रह्मास डिस्क इससे क्या होता है, ऊपरी दीवार पर लिखी दाई और बाई तरफ की कहानी पढ़ो और ब्रह्मा के रोहित की तरह तीन चक्रियाओं और तीन सुइयों का प्रयोग करते हुए सभी चक्रिकाओं को एक सुई से दूसरी सुई में इस प्रकार स्थान करें ताकि आप कभी भी एक बड़ी चक्रिका को छोटी चक्रिका के ऊपर न रखें। खेल के इस सबसे सरल भाग में जिसमें तीन चक्रिकाएं हैं प्रयोग की जा रही हैं, हमें 23-1 अर्थात 7 चालों की आवश्यकता है, परंतु 64 चक्रिकाओं के साथ ब्रह्मा द्वारा निश्चित 64-1 अर्थात 1-8-4-4-6-7-4-4-0-7-3-7-0-5-5-1-6-1-5 चालों की जरूरत है, यदि एक सेकंड में एक चाल चली जाए तो रोहित को कम से कम 58-40 करोड़ वर्षों की आवश्यकता है। संयोग से संसार अभी केवल 137 करोड़ वर्ष पुराना है, यह के प्राचीन भारतीयों के बढ़ती क्रियों में बड़ी बड़ी संख्या में स्थानांतरण को प्रबंधित करने की मानसिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर ये गेम परंतु 14 चक्रियों के साथ ब्रह्मा द्वारा निश्चित 1464 यानी एक अर्थात बिना चालों की जरूरत है, यदि एक सेकंड में एक चाल चली जाए तो पुरोहित को कम से कम 48-40 करोड़ वर्षों के ऐसे का मतलब परमोटेशन कॉम्बिनेशन है ये कितनी 47 चालों की आवश्यकता में कितने है? इसको करने में 5840 करोड़ वर्ष लग जाएंगे, इसको सोल्व करने में 5840 ईयर, यही तो कह रहा है। रीड द स्टोरी इन लेफ्ट और राइट वॉल, परमुटेशन रीड द स्टोरी इन लेफ्ट और राइट वॉल अबव एंड लाइक ब्रह्मा प्लीज ट्राई टू शिफ्ट ऑल डिस्क टू अनदर पैक यूजिंग 3 डिस्क एंड 3 पैक्स ओनली सो दैट यू नेवर प्लेस अ बिगर डिस्क ऑन अ स्मॉलर पैक, प्लीज बड़ी वाली छोटी पे डालनी, you never place a bigger disc on a smaller disc, even this smaller version of the game with 3 discs need 23-1 7 moves at least, but with 64 discs Brahma ensure 7 यहाँ भी लिखा है। बनारस के महान मंदिर में गुंबद के नीचे जो कि विश्व के मध्य को दर्शाता है पीतल का एक प्लेट रखी है जिसमें 3 हीरे के सुइयां लगी हैं। प्रत्येक एक घन ऊंचाई 1 घन 20 इंच और एक मधुमक्खी के शरीर जितना चौड़ी है।
संसार की उत्पत्ति के समय भगवान ने इनमें से एक सुई पर 64 शुद्ध सोने की प्लेट इस प्रकार रखी, जिसमें सबसे बड़ी शक्ति पीतल की प्लेट पर रखी है तथा बाकी शक्तियाँ ऊपर की तरह छोटी होती है। यह ब्रह्मा की मीनार रात और दिन अखंड रूप से पुरोहित चक्रिकाओं को ब्रह्मा के निश्चित बाना बदलने वाले नियम अनुसार, जिसमें पुरोहित को एक समय में केवल एक ही चक्रिका बदलनी चाहिए और इन चक्रिकाओं को सुई में इस प्रकार डालना चाहिए ताकि कभी भी एक छोटी चक्रिका के ऊपर कोई बड़ी चक्रिका ना आए। हीरो की एक सुई से दूसरी सुई से डालता रहता है जब सभी 64 चक्रिकाएं प्रकार उस सुई से जिसमें उत्पत्ति के समय भगवान ने उन्हें रखा था जिस किसी अन्य सुई में स्थानांतरित कर दी जाएगी। संसार खत्म होने की बात हो रही है, तो जब सभी 64 चक्रिकाएं इस प्रकार उस सुई से जिसमें उत्पत्ति के समय भगवान ने उन्हें रखा था किसी अन्य सुई में स्थानांतरित कर दी जाएंगी, तब मीनारें मंदिर और ब्रह्मांड समान रूप से मिट्टी में मिल जाएंगे और बिजली के गर्जन के साथ संसार खत्म हो जाएगा। और इसमें कोई साइंस है, इसमें इंग्लिश में भी लिखा है, आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना, मतलब इसमें साइंस लिखी है कि ये पृथ्वी का अंत कैसे होगा, तो उसके माध्यम से पता कर सकते हैं। हमारे देखो, हमारा इंडिया ना बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली, अगर बोले हमारा भारत बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली मतलब फेमस है, उसने प्राचीन समय से ही बहुत सारे काम किए। बेटा तुम शाबाश, और तेज छुट्टी हो जाएगी, और तेज बजाओ, सबकी छुट्टी हो जाएगी, पास है लोग समय टंडन छुट्टी हो गई। नहीं, उसकी मम्मी कुछ नहीं करी, बजाया जाता हूँ मैं, दादी है ना, जब भी मैं बोल रहा हूँ बोल सकती भैया, वो पढ़ रहे हैं, मत बोल करो मैं। आ जाओ भाई, और भी देखते हैं यहाँ पर। दिल्ली लो स्तंभ, ये आयरन पिलर है, ये जो आयरन पिलर इसमें दिखा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि इल्तुतमिश यानी उनके टाइम में बना था, और इसके अंदर क्या था वो, ये प्योर आयरन का नहीं है, ये एलॉय है, तब इसमें जंग नहीं लगती, इसके बारे में बात हुई है यहाँ पर, ये मुझे पता है इसके बारे में जो लिखा हुआ है, या पढ़ लेना इसमें, ठीक है। और प्लीज़ डू नॉट टच मत करें। ओ भाई, इसकी हथौड़ी सही लग रही है, नहीं है बढ़िया। ये आयरन पिलर के बारे में यहाँ बता रहे हैं कैसे बनता है, स्मूथ सरफेस, ओरिजिनल, बरियल लेवल, रफ सरफेस, इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है ना। रिलेटिव डायमेंशन ऑफ द पिलर, आयरन पिलर द यूनिट यू मेजर 1 सेकेंड एंड इज इक्वल टू 1 एंगुलम, जो भी है, ठीक है, देखना। इसकी पूरा कंस्ट्रक्शन का मेथड है, आप लोग देख रहे हैं। इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है, इसके अंदर होलो सिलेंडर है, आयरन पिलर के अंदर इस टाइप से बनाया गया इसको, देखिए कैसे बना हुआ है भाई। उस जमाने में लोगों ने कैसे बनाया होगा, नहीं टेक्नोलॉजी भाई, पहले टेक्नोलॉजी थी, पकड़ना। भाई प्यास लग गई इतना बोल बोल कर यार। एरिया ऑफ सर्कल, जो पाई आर का स्क्वायर है वो कैसे निकला, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी इंडिया वालों सब निकाला, देखो ये कितने सारे लगे हैं, आप इससे टच नहीं कर सकते क्या इसको, ये लग रहा हाफ लग रहा, अरे ये ऐसे खींच के चेन है ना ये, हाँ क्या करेंगे आप बताइए, चेन, अरे भाई निकाल के मत ले जाना। ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ तो है यार, खुल तो रहा है बाबू, हाँ देखो बन गया, अगर आप इसको स्ट्रेट कर देंगे तो ये पूरी लाइन बन जाएगी, ऐसा कुछ होगा इसमें, साइन एरिया निकल जाएगा सर्कल का, हाँ ब्लॉक टुगेदर फॉर्म अ सर्किल नाउ टेक आउट द ब्लॉक एंड रीअरेंज देम ऑन द राइट हैंड साइड. Yellow one of the top pins pointing downward and black ones on the bottom pins pointing upward so that they form a rectangle. Area of rectangle is length into breadth. देख लो, ये जो है ना, आधा जो है वो पूरे rectangle के area के बराबर है। बराबर है।
क्योंकि ये पीला पीला हम जब फिट करेंगे तो बीच में एक एक डिस्टेंस छूटेगा, उसे आप ब्लैक से फिट कर दो, समझ रहे हो, मतलब पूरे सर्कल से एक रेक्टेंगल बनेगा। हाँ, पूरे सर्कल से एक रेक्टेंगल बनेगा। लेकिन ये भी है, आधा सर्कल का पूरा रेक्टेंगल भी बना रहे हैं, आधा सर्कल से भी। हाँ देखो, पूरा रेक्टेंगल नहीं बन रहा, रेक्टेंगल की शेप। लेकिन इसके बीच में जगह भी तो बच गई बाबू, ये वाली, वो तो बचा रहने दो, ये क्यों मुझे नहीं, फिर एरिया तो, ये देखो रेक्टेंगल की शेप ही बना रखी है और ये सर्कल है। लेकिन ये जगह बच रही है ना खाली, ऐसे कह रहा है काले से भर दो इसे, ये जो बचा है यानी एक सर्किल इज इक्वल टू, ये अगर पहले, ये पहले इधर लगा था, इधर यहां पे लगा हुआ है, उठाओ उठाओ उठाओ, लगा लगा, वो अच्छी सही है ना, ये रहा, तो ये सर्किल बन गया है। हाँ, और ये रेक्टेंगल बन गया, अब ये बन गया, ये बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रुको ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ व्हिच इज इन दिस केस इज द हाफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का हाफ इनटू हाफ द डायमीटर, एरिया रेक्टेंगल होता है सर्कमफेरेंस का हाफ और डायमीटर का हाफ, डायमीटर और सर्कमफेरेंस का हाफ, सर्कमफेरेंस यानी इसका जो सर्कुलर पार्ट को आधा कर दो है और डायमीटर का हाफ कर दो। ये 1500 साल पहले नोट किया था ना। चलो भाई, चलो आप लोगों को कैसा लगा बताना, हम लोग साइंटिफिकली यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं, तो भाई यहाँ तक हमारा काम हो गया है, मतलब यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और थोड़ा दिमाग संडे को हमने सोचा था थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट देंगे, पर यहाँ पे दिमाग और काम कर रहा है। यहाँ पे अंगीठी जल नहीं, किसी को हाथ सेकना है तो ताप लो भैया। हाँ हाँ, एक मिनट, अंदाज जा रहा है अंदर, मुझे लगा हाथ तापने का, यहाँ ठंड ना हो जाता। अच्छा अच्छा, ये कुछ है क्या, अरे ये बटन है, ये तप्त खल यंत्र, मतलब पहले के जमाने खाना बनाते थे, ये इसका यंत्र है ना, डोला, डोला यंत्र है, हमारे देश में बहुत कुछ था भाई, जो आज माइक्रोवेव आए हैं ना, ये सब अंग्रेजों ने यहीं से कॉपी करे हैं, सब बना लो भाई, है ना अभी ना, अंग्रेजों ने मशीनें बना दी, नहीं ये प्राचीन काल में हमारे यहाँ सब यूज होते थे, अंगीठियाँ है भाई ये ना, फिर क्या पटना यंत्र फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मरकरी, मरकरी को प्यूरिफाई कर सकते हैं, स्वेदन यंत्र फॉर कंटिन्यूस स्लो हीटिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, स्लो हीट करना किसी इंग्रेडिएंट को, उससे कर सकते, चलो हम लोग भी एक दिन यूज करेंगे इन सबको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ड्रग्स के लिए भी है डोला यंत्र, ड्रग्स को डोला यंत्र फॉर प्यूरिफाइंग और क्रश ड्रग्स, हो भाई, दमूरा यंत्र फॉर प्यूरिफिकेशन एंड डिस्टिलेशन ऑफ मरकरी, हमें बनेगी थमाइल, Oh,